साल 2022 में मोटरसाइकिल सवार खिलाफ वर्जियों में पहले नंबर पर रहे। 22,91,565 मोटरसाइकिल सवारों ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की है। 3,72,148 कार और जीप ड्राइवर्स ने भी कानून की खिलाफ वर्जियां की हैं। 3,43,000 से जायद चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने भी कानून का एहतराम नहीं किया। आबिद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद हैं। आबिद चौधरी, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ट्रैफिक पुलिस के आदेशनामे के मुताबिक बताया जा रहा है कि साल 2022 में मोटरसाइकिल सवार जो है वो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों में पहले नंबर पर है। आदेशनामे के मुताबिक बताया जा रहा है कि साल 2022 में 22,91,565 मोटर सवारों ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की, और इसी तरह कार सवार की जानब से भी खिलाफ वर्जियां की जाती नहीं, जो कि 3,72,148 के करीब है। और 3,43,000 से ज्यादा जिनकी रिक्शा ड्राइवरों ने भी ट्रैफिक कानून का एहतराम नहीं किया। सिटी का कहना है कि 1,55,000 पब्लिक सर्विस और कमर्शियल गाड़ियों को भी चालान जमा किया गया, और इसी तरह 40,000 से ज्यादा चालान टिकट कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल्स को जारी किया गया। 5,000 से ज्यादा लैंड क्रूजर्स को भी चालान टिकट जारी किया गया है, और मिनी मज़्दा को भी 2,53,000 चालान, जबकि ट्रक और ट्रालर्स को भी 40,000 के करीब चालान जारी किए गए। सिटी का कहना है कि एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए बगैर सफर करने पर 17,000 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी चालान किया गया, और इसी तरह 1 करोड़ से ज्यादा जो शहरी हैं उनको वार्निंग भी दी गई है, उनको एजुकेट भी किया गया है। अलबत्ता ट्रैफिक पुलिस के इस वाले से कहना है कि शहरी में आगाही जो है वो फैलाई जा रही है, ताकि वो अपने साथ साथ दूसरों की जानों को भी महफूज रख सकें। जी आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।